तो यार पहली बार अगर आए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग डालूंगा और इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि यार मैंने सच में नहीं सोचा था कि इस वे में लेंगे लोग, लेकिन यार लोग ले लेते हैं। और कुछ मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेंशन कराया कि सौरभ जोशी के बारे में मैंने जो भी कहा, मैं दो बातें करूँगा अभी। कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्लिक बेट करा माइसन को लेके, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था। बात करूँ सबसे पहले, चलो माइसन की बात करते हैं। तो यार माइसन को देना हमारा कोई मोटिव तो था नहीं कि हम उसे लाएंगे, 3 महीने तक खेलेंगे उसके साथ और फिर दे देंगे। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो माइसन की, ठीक है, कोई भी उठा के देख लो पुरानी। हमने उसके लिए यार 3 महीने में, आप ये लगा लो 3 महीने में हमने उसके ऊपर लाख रुपए तो खर्च कर दिए होंगे, नो डाउट। और हमने बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने उसके ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए वगैरह वगैरह, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने उसके लिए बहुत कुछ करा। मैं यार हमने ना घर पे ट्रेनर भी रख लिया था ताकि उसे अच्छे से ट्रेन कर पाए। जो प्रॉब्लम हो रही थी कि वो घर पे सुसु पॉटी कर रहा था, हमें लगा था कि ट्रेनिंग से एटलीस्ट वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन यार ट्रेनिंग से भी नहीं, हमने पर्सनल ट्रेनर तक रखा है यार उसके लिए। हमने यकीन करोगे, हमने खुद के कोरोना की वैक्सीन लगाई, उसके सारी वैक्सीन तो लगवाई लगवाई, हमने उसे कोरोना तक की वैक्सीन लगवाई थी ताकि इसे ना कोरोना हो जाए। यार हम उससे इतना प्यार करते थे, लेकिन यार सिचुएशन कुछ ऐसी पैदा हो जाती है कि यार हैंडल नहीं हो पाती। अगर आप मुझे ऐसी सिचुएशन समझाने की कोशिश करते, आप वीडियो बनाते और मुझसे या पर्सनली बोलते, तो मैं आपको समझने की कोशिश करता, आपको अपने आप अपने आप को आपकी जगह रखने की कोशिश करता। अब आप मुझे अपनी जगह रखने की कोशिश करो, या फिर जो लोग नहीं कर पा रहे यार, मैं उनका तो कुछ कर नहीं सकता। वो लोग नेगेटिव कमेंट ही करेंगे कि तुमने क्यों करा, तुमने गलत करा, तुम्हारे बस की नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन आप समझने की कोशिश करो यार, हमारा कोई मन थोड़ी ना था। सिचुएशन समझो, अगर आप बोलते ना ऐसे मेरे से, तो मैं आपकी सिचुएशन जरूर समझता ये चीज़। लेकिन चलो कोई नहीं यार, सब सबकी सोच अलग है, सब लोग अलग हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिन्होंने अच्छे कमेंट भी करे हैं, जिन्होंने समझने की कोशिश भी करी है, तो उन्हें तो भाई थैंक यू, दिल से थैंक यू जिन्होंने समझा बात को। और अगर जिन्होंने पहली वीडियो में नहीं समझा था, उन्होंने अब समझ लिया, तो वो और अच्छी बात है यार। लोग ये भी बोल रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ व्यूज़ एंड लाइक्स आपने क्लिक बेट करा। आप मुझे एक बात बताओ कि क्लिक बेट क्या था? एज ए यूट्यूबर अगर आप वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, आप ये नहीं चाहोगे कि आपके वीडियो पर व्यूज़ ना आए, आप यही चाहोगे आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आए। नहीं तो आप किस पर्पस के लिए डाल रहे हो वीडियोस? किस पर? अपने लिए तो डाल नहीं रहे, लोगों के लिए डाल रहे हो। अब लोग कैसे देखेंगे उस वीडियो को? ताकि आप कोई कैची टाइटल डालो, कैची टाइटल डालोगे, कैची थंबनेल डालोगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ में, थंबनेल में और टाइटल में झूठ डाल दोगे, तो वो भी सही नहीं होता। अब मैंने अपने टाइटल में क्या डाला? आवर डॉग इज़ नो मोर, ठीक है। अब इसमें नो मोर में कुछ भी हो सकता है, आवर डॉग इज़ नो मोर विद अस, ठीक है। अब आप किस सेंस में लेते हो और हम क्या वीडियो में बताना चाहते हैं? आप क्यों कैची हुआ ना है कि हम आपको सस्पेंस में रख रहे हैं ना, कि आप अंदर आके देखो कि हुआ क्या इनके साथ, ताकि हमें व्यूज़ मिले। तो यार अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी ये करते, तो पीछे से बैठ के बोलना कि यार तुमने क्यों करा वगैरह, यार हम नहीं चाहते कि आपके साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो और आप हमें छोड़ के चले जाओ, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करें। यार कंटेंट देने के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और एंगेजिंग बनाने के लिए अच्छा टाइटल और थंबनेल की ज़रूरत होती है, आप किसी का भी उठा के देख लो। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ पर, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सौरव जोशी नाम का एक बंदा है, उसके अच्छे खास सब्सक्राइबर है, अच्छे खासा। देखो वो बंदा टैलेंटेड, देखो जिसने कमेंट करा था ना, मैं उसे बता दूं कि मैं भी उसके व्लॉग्स देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ यूट्यूब के एल्गोरिदम की बात कर रहा था। अब मैंने उसे सरकास्टिक में बोल दिया कि यार पीयूष को लेके वो वीडियो बनाता है, अपने नाम सौरभ जोशी है। एक बात बताओ, मेरे पास एक चीज़ है, मैं एक चीज़ को ले लेके बार बार वीडियो बनाऊँगा और मुझे उस पर व्यूज़ मिल रहे होंगे, ठीक है, और व्यूज़ मिल रहे होंगे तो मैं उस पर बार बार बना रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं उस चीज़ को लेके बार बार बना रहा हूँ क्योंकि उस पर व्यूज़ मिल रहे हैं और वो मेरा क्लिक बेट हो गया, समझ रहे हो? अगर मेरे पास ये मान लो ये बॉटल है, मैंने आज बॉटल से पानी पिया, ये मेरा टाइटल है और मैंने इस पर वीडियो बना दी, तो यार इस पर व्यूज़ आ गए। और अगली वीडियो मैंने इस पर फिर मैंने कहा इस पर व्यूज़ आ गए, चलो अगली वीडियो भी इस पर बना लेता हूँ, तो क्या हुआ? क्लिक बेट हुआ। इसे भी क्लिक बेट कहते हैं, पार्शल क्लिक बेट कहते हैं। इसमें आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आधी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाती है। अब कई लोग समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझते, मैं उसमें देखो कुछ नहीं कर सकता। मैं YouTube के एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ, आप हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आप किसी भी वीडियो में बोर नहीं होंगे, सारी एंगेजिंग है, सारी एंटरटेनिंग है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि आपको जितना हो सके हंसाने की कोशिश कर सकें, ठीक है।
मैं इतनी नेगेटिविटी नहीं चाहता था इस वीडियो में जो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको समझाना जरूरी था, मेरा फर्ज था, मैं ये कोशिश करूँगा। हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने बोल दिया कि पीयूष वगैरह पीयूष के बना रहा, पीयूष के बना रहा, पीयूष के बना रहा, लेकिन यार वो भी एक क्लिक बेट है, और जो मैंने करा वो भी एक, वो कोई क्लिक बेट नहीं होता, आप इस चीज़ को समझो, क्लिक बेट ही होता। अगर मैंने लिख देता कि माई सन इज़ नो मोर विद अस, ही इज़ डेड, ये क्लिक बेट होता है कि मैंने वीडियो में कुछ और बोला और टाइटल में कुछ और बोला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं टाइटल में ये पूरी एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकता था कि अवर डॉग इज़ नो मोर विद अस बिकॉज ही इज़ गॉन, ही हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय समवन एल्स, मैं ये सब तो बोल नहीं सकता था। टाइटल छोटा होता है, टाइटल बड़ा पैराग्राफ में तो बना नहीं सकता, और टाइटल हमेशा कैची डालना होता है ताकि आप लोग क्लिक करो और देखो उस चीज़ को और समझो हमारी बात को। लेकिन आप यार गलत ले जाते हो, गलत मत लो यार, ठीक है? तो यार इस वीडियो को नेगेटिव नहीं करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से यही है मेरी जस्टिफिकेशन जो मैं देना नहीं चाहता था, मुझे लगा था आप समझ जाओगे, यही इतनी बड़ी हो गई, तो थोड़ा सा और करते हैं ब्लॉग, और फिर सब्सक्राइब तो करना मत भूलना है, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डालने वाला हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दे भी बात करेंगे हम इस बार। लगाना तेल क्यों? गंदे तो नहीं, इतने अच्छे बाल हैं, आप तेल लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा यार आज मैं रोटी खा रहा हूँ, कड़ी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन खा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी मम्मी कड़ी अच्छी बनाते हैं। तो यार पीली पीली कड़ी खाने के बाद मैं पीले पीले आम खा रहा हूँ। तो यार आम जिस जिसको पसंद है ना, उसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोरोना के केस जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। इस बार प्लान बनाया था मैंने कि मैं गोवा जाऊँगा ही जाऊँगा, अप्रैल चल रहा है, मई में प्लान बना लिया था गोवा जाना, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो लग मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा मैं गोवा जा पाऊँगा। मैं सोचा था वहाँ ब्लॉगिंग करूँगा, आपके लिए डालूँगा। और दूसरी चीज़ यार मेरे सबसे बैड न्यूज़ ये है कि मेरे पड़ोस में यार किसी को कोरोना हो चुका है, मतलब जस्ट पड़ोस में, नाम नहीं ले सकता। तो यार ये है कि आप कितना भी बच लो, आपसे पूरे दिन ना कोई ऐसी गलती हो ही जाएगी जिसकी वजह से यार कोरोना लग जाएगा, ठीक है? अब वो किस्मत आपकी है, लेकिन एक तरीका है बचना कोरोना से, और सिर्फ एक ही तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि आप कितना भी प्रिवेंट कर लो, यार एक्ट्रेस को हो सकता है कोरोना, एक्ट्रेस तक को हो रहा है कोरोना, उनके तो उसके उनके पास तो कितने सारे प्रिवेंशन के तरीके होंगे, कितना ज़्यादा टेक केयर कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें भी हो ही रहा है ना, तो हम क्या चीज़ है नॉर्मल पीपल। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यार इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखो, एक्सरसाइज करते रहो, एक्सरसाइज करो। मैंने लॉकडाउन में रोज़ एक्सरसाइज करिए, लगा लो आप कुछ महीने छोड़ के, और अपनी इम्यूनिटी का अच्छे से ख्याल रखा है, चाहे घर परिवार वालों ने, उन्होंने भी अपनी इम्यूनिटी का अच्छे से रखा है ख्याल। तो आप अपनी इम्यूनिटी पर वर्क करो, ना कि प्रिवेंशन से, क्योंकि आप पूरे दिन में एक ना एक ऐसी गलती कर ही दोगे जिससे मतलब कोरोना के चांसेस हो जाते हैं कि वो दूसरे से तुम तक पहुंच जाए, चाहे वो पैसे के ज़रिए हो सकता है, चाहे वो किसी के साइड से निकलने के ज़रिए हो सकता है। इसलिए यार अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखो। तो यही था, और मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे यार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, और ऐसे ही हंसते रहो, और यार बुरा मत माना करो मेरी किसी भी बात का, और नेक्स्ट ब्लॉग कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने, क्योंकि ये ब्लॉग तो उसी में निकल गया यार बताने में, और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।